तो सर कौन सा कोचिंग है ये और इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए बस। देखिए यहाँ पे जो ये सिविल डिफेंस अकेडमी है, ये इंदिरा नगर लखनऊ और ये आलमबाग में, इसके दो ब्रांचेस है ना। अच्छा। और यहाँ पे एनडीए सीडीएस की तैयारी होती है। अच्छा। साथ ही साथ एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप की, नेवी डबल ए एसएसआर और एसएसबी की भी तैयारी होती है हमारे यहाँ लड़कियों। और हमारे एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप के बैच का टाइम डेली प्रतिदिन 3 से 5 घंटे की प्रतिदिन क्लासे होती हैं, और एनडीए की क्लास सुबह 8 से 1 और 2 से 7 लगातार चलती हैं, और सीडीएस की भी एनडीए के क्रम से ही चलती हैं। फीस का एनडीए की जो है गर्ल्स के लिए एसएसएल बैच है, इसकी टाइमिंग जो है 8 से 12 है। जो फीस है इसकी 6 मंथ की 28,000 है, 1 साल की है 42,000। और लड़कियों के लिए कोई भी डिस्काउंट है, लड़कियां आना स्टार्ट होंगी इसमें? गर्ल्स के लिए जो है 20% का डिस्काउंट भी चल रहा है, 14% स्ट्रेट डिस्काउंट लड़कियों के लिए। और हमारे यहाँ जो है 16 से नया बैच भी स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई बंदा स्कूल में है, उसको ऑनलाइन प्रिपरेशन करनी है, और उसके लिए कुछ भी है एसडीए में? हाँ, क्योंकि मोस्टली बच्चे स्कूल वाले ही हैं जो 12th के बाद एग्जाम दे रहे हैं। ये हमारी अकेडमी में प्रतिदिन रात्रि को ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। अच्छा, ऑनलाइन कैसे ले? अगर मान लो कोई स्कूल में बच्चा है, उसको अवेल करना है एसडीए का ऑनलाइन कोर्स, यहाँ से इनको यूट्यूब चैनल पे सिविल डिफेंस अकेडमी सर्च करेंगे, खुद का चैनल बना हुआ, उस पर इनको सारी क्लासेस मिल जाएगी। तो वो फ्री है? एकदम फ्री है, बिल्कुल फ्री है। तो ये जो चार्ज नहीं पड़ता, तो क्लासेस जो होती हैं ऑफलाइन में और ऑनलाइन में कोई फर्क है? जी बिल्कुल, ऑफलाइन अलग होती है, ऑनलाइन अलग चलती है। तो ऑनलाइन में ज्यादा कंटेंट नहीं मिल पाता है मतलब बच्चे? नहीं, जो भी पढ़ाया जाएगा आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। आपको अगर कोई भी डाउट है, आपको आप ऑनलाइन में उससे पूछ सकते हैं, आपको बकायदा उसका हल मिलेगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम और ये फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे सब पे मिल जाते हैं। इसका फिर सिलेक्शन रेट कैसा है एसडीए का? 100% सिलेक्शन देने वाली कोचिंग है यूपी में, लखनऊ में सबसे कोचिंग सेंटर हमारा। अच्छा, सिलेक्शन लखनऊ में ऐसी का है? कोई रेट है कि क्या रेट है अभी सिलेक्शन रेट एसडीए का? एनडीए का हर 6 महीने में मतलब 20 से 25 बच्चे क्वालिफाई होते हैं, हो जाते हैं रिटर्न एग्जाम। और रिटर्न जब निकल जाता है एनडीए का, मान लो सीडीएस का, तो क्या एसएसबी की भी कोई प्रिपरेशन का यहाँ पे है? तो क्या उसमें अवेल कर सकते हैं, क्योंकि अवेल करना है किसी को? तो चलिए, हमारे जीटीओ सर हैं, वो आते हैं, ग्राउंड टास्क ऑफिसर सर आते हैं, और एक मेजर सर हैं, और हमारे स्पेशलिस्ट टीचर अभिषेक सर हैं, वो हमारी एसएसबी क्लास चलाते हैं। तो कितना टाइम पीरियड है और कितना फीस है एसएसबी की कोचिंग का? टाइम पीरियड है, एक होता है कोर्स 14 डेज का, जिसकी फीस है आपकी 13,000। अच्छा। और एक होता है कोर्स 21 डेज का, जिसकी फीस है 15,000। और एक होता है 1 मंथ का, जिसकी फीस आपकी है 18,000। अच्छा, मेरे को अभी आखिरी सवाल है, इतना बता, सुप्रीम कोर्ट ने जो लड़कियों को स्टार्ट किया है टू एंटर इनटू एनडीएस, उस पर आप लोगों का ओपिनियन क्या है? यह बहुत ही अच्छा सुझाव है, यहाँ जब एनडीए लड़कियाँ जो हैं वो एनडीए की छू भी जा सकती हैं। अभी तक सिर्फ उनके लिए सिर्फ और सीडीएस का चांस था, अब जो भी लड़कियाँ वो एनडीए की छू भी जा सकती हैं। अच्छा। इंटर पास होने के बाद उन्हें बिना ग्रेजुएशन किए जा सकती हैं वो। अच्छा, एनडीए। ठीक है, थैंक यू। आपका नाम बता दीजिए तीनों का। अभिनव मिश्रा, सत्यन त्रिपाठी, अर्पित यादव। थैंक यू।